सो गाइस, हमारे गेम के अंदर एक ऐसा इवेंट आने वाला है जिसके अंदर से आप सभी लोगों को गोल्ड से बहुत सारे तगड़े तगड़े फ्री इमोट्स मिलने वाले हैं, जिनको फ्री में एक्सचेंज करने के बाद आप सभी लोग खुशी से उछलने वाले हो। और गाइस, ग्लू वॉल की स्किन, बंडल्स और भी बहुत सारे आइटम्स आप सभी लोगों को गोल्ड से मिलने वाले हैं, जो कि आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। इसी के साथ हमारे 3-in-1 इंक्यूबेटर रिटर्न आने वाले हैं हमारे सर्वर के ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और गाइस, इन इंक्यूबेटर बंडल में से आप सभी लोगों को एक इंक्यूबेटर बंडल फ्री में मिलने वाला है। इसी के साथ हमारे OB38 अपडेट में बहुत सारे मस्त मस्त बंडल्स, इमोट, एनिमेशन सब कुछ निकल कर आ चुका है, जो कि आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूं। इसी के साथ हमारे टुनाइट अपडेट के बारे में भी मैं बात करने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई 2 मिलियन करवा दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लो। और गाइस, आज से हम 2 लकी सब्सक्राइबर को शाउट आउट देने वाले हैं, और अगर आपको भी शाउट आउट में पार्टिसिपेट करना है तो वीडियो को लाइक कर दो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो। तो गाइस, अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस, हमारे OB38 अपडेट में हमारे फ्री फायर का एक बहुत बड़े गेम के साथ कोलैब होने वाला है, जिस गेम का नाम डेविल मे क्राई 5 है। और गाइस, ये जो कोलैब है ये वर्ल्ड वाइड हर सर्वर पर एक साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने भी बड़े कोलैब होते हैं हमारे फ्री फायर के अंदर वो सारे वर्ल्ड वाइड ही होते हैं। और गाइस, इस कोलैब के अंदर से आप सभी लोगों को बहुत सारे मस्त मस्त आइटम्स और तगड़े तगड़े बंडल्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि डेविल मे क्राई 5 गेम से रिलेटेड होने वाले हैं। और गाइस, बड़े बड़े टाटा माइनर की तरफ से लीक निकल कर आ रही है कि ये कोलैब हम सभी लोगों को हमारे OB38 अपडेट में देखने को मिलेगा। और गाइस, अगर ये कोलैब होता है तो बहुत ही ज्यादा मजे आने वाले हैं, क्योंकि जब भी फ्री फायर के अंदर इस टाइप के बड़े कोलैब होते हैं तो हम सभी लोगों को बहुत सारे फ्री रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और गाइस, लास्ट कोलैब हमारा फ्री फायर के अंदर 7 महीने पहले हुआ था, तो गाइस इस कोलैब को होने के बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। इसी के साथ हमारे OB38 अपडेट में जितने भी बंडल निकल कर आए हैं वो सारे आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक से हैं। और गाइस, इन बंडल्स में से आप सभी लोगों को बहुत सारे बंडल्स फ्री में भी देखने को मिलेंगे, कुछ बंडल्स डायमंड रॉयल में भी देखने को मिलेंगे और कुछ वेब इवेंट में देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से ये सारे बंडल किसी ना किसी इवेंट में आप सभी लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनका रिव्यू मैं आप सभी लोगों को अपडेट आने के बाद एक एक करके दिखा दूंगा। इसी के साथ हमारे जितने भी OB38 अपडेट के इमोट्स हैं वो सारे आप सभी लोग देख ही पा रहे होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक से हैं। और गाइस, इन इमोट्स से कोई 2 इमोट्स आप सभी लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, और बाकी इमोट्स में से 2 इमोट्स आप सभी लोगों को ईवो गन्स के देखने को मिलेंगे, और कुछ इमोट्स वैलेंटाइंस इवेंट के भी देखने को मिलेंगे। और गाइस, ये सारे इमोट्स एक से एक बेहतरीन है। इन इमोट्स में से आप सभी लोगों को कोई भी नॉर्मल इमोट देखने को नहीं मिलेगा, सारे ही लेजेंडरी इमोट्स हैं। इसी के साथ हमारे 3 एनिमेशन भी निकल कर आए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा धांसू होने वाले हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही लिए होंगे। ये भी आप सभी लोगों को OB38 अपडेट में देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ हमारा एक और न्यू लुक चेंजर इमोट आने वाला है। और गाइस, बताया जा रहा है कि ये लुक चेंजर का जो बंडल होगा वो काफी खतरनाक बंडल होगा, क्योंकि इसके आइकन से ही साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बंडल कितना ज्यादा ओपी होगा। अभी तो सिर्फ इस बंडल का आइकन निकल कर आया है, लेकिन गेम में अपडेट आने के बाद इसका फुल रिव्यू भी निकल कर आ जाएगा। इसी के साथ हमारे 3-in-1 इंक्यूबेटर रिटर्न की 100% लीक निकल कर आ चुकी है हमारे इंडियन सर्वर के लिए। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी लोग जो इंक्यूबेटर देख पा रहे हो, ये इंक्यूबेटर है बनी इंक्यूबेटर। गाइस, ये इंक्यूबेटर आज से 3 साल पहले हमारे गेम के अंदर रिटर्न में आया था, उसके बाद से कभी भी रिटर्न में नहीं आया, तो इसीलिए भी इस इंक्यूबेटर को हम सभी लोग रेयर बोल सकते हैं। और गाइस, ये बंडल्स बहुत सारे बंदों के फेवरेट बंडल्स भी हैं। और गाइस, इन बंडल्स की भी बहुत ज्यादा तगड़ी लीक्स निकल कर आ रही है हमारे गेम में रिटर्न में आने की। इसी के साथ सेकंड इंक्यूबेटर है हमारा क्लाउन इंक्यूबेटर। ये इंक्यूबेटर की पिछले 3 महीने से लीक्स निकल कर आ रही है हमारे इंडिया सर्वर पर रिटर्न में आने की। और गाइस, फ्री फायर में सिर्फ यही एक बंडल है जो कि रेयर बने हुए हैं, पर गाइस रिटर्न में आने के बाद ये बंडल रेयर नहीं रह जाएंगे। और गाइस, ये क्लाउन इंक्यूबेटर आज से 4 साल पहले गेम में आए थे, जब गाइस बहुत कम बंदों ने इन इंक्यूबेटर बंडल्स को निकाला था। बट गाइस, अब ये बंडल रिटर्न में आते हैं, तो गाइस इन बंडल्स को निकालना मत भूलना, क्योंकि ये बंडल रेयर बने रहेंगे। इसी के साथ जो हमारा 3rd इंक्यूबेटर होने वाला है वो हमारा होने वाला है गोल्डन शेड इंक्यूबेटर। ये इंक्यूबेटर कितनी बार भी रिटर्न में आ जाए बट ये रेयर ही रहता है। तो गाइस, इस इंक्यूबेटर की भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज निकल कर आ रही है हमारे इंडियन सर्वर पर आने की। तो गाइस, देखते हैं हम सभी लोगों को 3-in-1 इंक्यूबेटर देखने को मिलता है, या फिर इन 3 इंक्यूबेटर में से कोई एक इंक्यूबेटर हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ हमारे OB38 अपडेट में 2 न्यू ईवो गन आने वाली हैं, जिनका लुक निकल कर आ चुका है, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे होंगे। लेफ्ट में आप सभी लोगों को एवोल्यूशन थॉमसन का लुक देखने को मिल रहा होगा, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इसी के साथ इसका जो एनिमेशन होगा वो भी काफी ज्यादा मस्त होने वाला है। और गाइस, गेम में ईवो थॉमसन गन आने के बाद MP40 की स्किन और M1887 की स्किन बेकार होने वाली है, क्योंकि ईवो थॉमसन गन के सामने कोई भी बंदा नहीं टिक पाएगा। इसी के साथ राइट में आप सभी लोगों को एवोल्यूशन G18 की स्किन देखने को मिल रही होगी, जिसका लुक भी
काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। और गाइस एक बहुत बड़ी सीक्रेट अपडेट निकल कर आई है इस गन से रिलेटेड। कुछ डाटा माइनर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि ये ईवो G18 की स्किन हम सभी लोगों को होली इवेंट में बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगी। और गाइस हमारे गेम के अंदर अपडेट आने के बाद इन दोनों गन का फुल रिव्यू भी निकल कर आ जाएगा, तो मैं आपको आने वाली वीडियो में रिव्यू दिखा दूंगा। इसी के साथ अब चलते हैं हमारे टुनाइट अपडेट की तरफ, जो की होने वाला है हमारा 100% नेक्स्ट इंक्यूबेटर, जो की आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे होंगे, जो की वेक्टर का होगा। और गाइस इस इंक्यूबेटर की जो स्किन है ये एक से एक बेहतरीन होने वाली है, देखने में एकदम यूनिक एंड कमाल की लगती है। और गाइस ये सारी स्किन्स एंजेलिक थीम पर बेस्ड हैं, जो कि आप सभी लोगों ने देख ही लिए होंगे। और गाइस ये इंक्यूबेटर बांग्लादेश सर्वर, सिंगापुर सर्वर और बहुत सारे सर्वर्स के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, पर अब बचा है तो सिर्फ हमारा इंडियन सर्वर। लेकिन फाइनली आज रात 12 बजे के बाद ये इंक्यूबेटर हम सभी लोगों को अपने गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। और गाइस इस इंक्यूबेटर का हम सभी लोगों को बहुत टाइम से वेट भी था, बट अब हमारा वेट खत्म होने वाला है। तो गाइस अगर आपके पास वेक्टर की एक अच्छी स्किन नहीं है तो आप इस इंक्यूबेटर से एक अच्छी स्किन निकाल सकते हो। तो गाइस कौन कौन इन स्किन्स को निकालने वाला है मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। इसी के साथ हमारा एक और टुनाइट अपडेट निकल कर आ चुका है, जो कि होने वाला है ये स्पेशल रॉयल, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे होंगे। ये स्पेशल रॉयल भी आज रात 12 बजे के बाद हमारे इंडियन सर्वर के ऊपर देखने को मिलने वाला है, जो कि काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर से आप सभी लोगों को मेल एंड फीमेल बंडल के साथ साथ ये चार्ज बस्टर की मस्त वाली गन की स्किन भी देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड है। और गाइस इस रॉयल के अंदर जो भी बंडल है वो हमारे इंक्यूबेटर के बंडल थे, जो कि गरीना वाले हमें इंक्यूबेटर में ना देके इस रॉयल में देने वाले हैं। और गाइस ये रॉयल हमारे सर्वर के ऊपर 100% हमें देखने को मिलने वाला है। तो भाई कौन कौन इन आइटम को निकालने वाला है ये मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। इसी के साथ फाइनली हमारे फरवरी एंड मार्च मंथ बुया पास के बंडल वगैरह निकल कर आ चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो सबसे पहले बंडल देख पा रहे हो ये होने वाले हैं हमारे फरवरी मंथ के बुया पास बंडल, जो कि ग्रीन कलर के हैं, बट देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहे हैं। अभी तो इन बंडल का सिर्फ आइकन निकल कर आया है, बट जैसे ही हमारे गेम के अंदर अपडेट आ जाएगा वैसे ही इन बंडल का लुक वगैरह एनिमेशन वगैरह भी निकल कर आ जाएगा, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में आपको दिखा दूंगा। इसी के साथ हमारे मार्च मंथ के बुया पास के बंडल भी आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। और गाइस इसके आइकन से ही पता पड़ रहा है कि इन बंडल का एनिमेशन काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है। और गाइस जैसे ही इन दोनों बुया पास के बंडल का लुक निकल कर आता है मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले दिखा दूंगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना। तो गाइस हमारे गेम के अंदर काफी ज्यादा जल्दी कुछ ऐसे स्पेशल गोल्ड रॉयल आने वाले हैं, जिनके अंदर से हम सभी लोगों को बहुत सारे तगड़े तगड़े इमोट्स बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं, क्योंकि बाहर के सर्वर के ऊपर इस टाइप के स्पेशल गोल्ड रॉयल आए हुए हैं, जिनमें गोल्ड से स्पिन करने पर ये सारे इमोट्स बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। और गाइस बताया जा रहा है कि इस टाइप का रॉयल हम सभी लोगों को भी हमारे इंडियन सर्वर के ऊपर वैलेंटाइंस डे इवेंट के टाइम पर देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं गाइस, इमोट के अलावा भी आप सभी लोगों को इस स्पेशल गोल्ड रॉयल के अंदर से ग्लू वॉल की स्किन देखने को मिलेगी, मस्त मस्त बंडल देखने को मिलेंगे, परांग की स्किन, पैन की स्किन, बैट की स्किन, सारे लेजेंडरी आइटम मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में गोल्ड से स्पिन करने पर, जो कि आप सभी लोगों को कुछ लिमिटेड डेज के लिए देखने को मिलेंगे, परमानेंट नहीं मिलेंगे। तो गाइस देखते हैं गरीना वाले इस स्पेशल गोल्ड रॉयल को हमें कब तक देते हैं, ये तो गरीना वालों के हाथ में ही है। तो गाइस अब बात करने वाले हैं हमारे लकी सब्सक्राइबर के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आज मैं 2 लकी सब्सक्राइबर को शाउट आउट देने वाला हूं। तो गाइस आज के हमारे लकी सब्सक्राइबर हैं अलोन MP40 बॉय और KG के गेमिंग ऑफिशियल। गाइस थैंक यू फॉर द कमेंट। आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर से कर देना। और वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या सोच रहे हो, कर दो चैनल को सब्सक्राइब, 2 मिलियन तो करवा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।